मंगल मैत्री स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा, हमने एक टॉपिक पढ़ा था सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, आज हम उसको रिवाइज करेंगे ताकि अगर आपको इसके कोई डाउट भी आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का क्या मतलब होता है? सेल्फ मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? खुद का मैनेजमेंट। खुद का मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया? सेल्फ माने मैं, मैनेजमेंट माने मेरा मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, अपनी कमजोरियों को मैनेज कर सके। इन सब को मैनेज करने का काम क्या होता है? सेल्फ मैनेजमेंट आता है। अगर हमें सेल्फ मैनेजमेंट आएगा तो हम टाइम मैनेजमेंट भी करेंगे। कभी कभी जब आपने एग्ज़ाम दिए होंगे और जब आप एग्ज़ाम देते हो तो आप एग्ज़ाम रूम से बाहर आते हो तो आप क्या सोचते हो? काश और पढ़ लिया होता, काश मैंने उस समय और ध्यान दिया होता, या मैं जल्दी उठ गई होती, या मैं रेगुलर स्कूल गई होती, रेगुलर मैंने होमवर्क किया होता। तो उस समय सोचा, वो सब हमारे पास क्या मिस है? हमारे पास मैनेजमेंट मिस है। ठीक है, सेल्फ मैनेजमेंट से हमको क्या क्या फ़ायदे होते हैं? सेल्फ मैनेजमेंट से सबसे पहले आपके पास जो फ़ायदा आपको होता है, उसमें आपके पास आता है पॉजिटिव एटीट्यूड। यानी चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, हमें अपना एटीट्यूड हम हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपना जो एटीट्यूड है हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, सब जगह अच्छा अच्छा देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ाई में भी देखेंगे। ये नहीं सोचेंगे पढ़ाई बर्डन है या हमें इतना फोर्स किया जा रहा है, ये सब कुछ किया जा रहा है, तो वो सब सोचने में भी हमारा परिवर्तन आता है। दूसरा आता है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल का मतलब होता है कि जो भी आपके पास सिचुएशन है, चाहे सामने वाला व्यक्ति बहुत नाराज़ हो रहा है, फिर भी हम शांत रहेंगे, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखेंगे। कभी कभी क्या होता है, कोई हमें कुछ बोलता है, हम अचानक रो पड़ते हैं या चिल्लाने लगते हैं, तो वो सेल्फ मैनेजमेंट से हम अपने इमोशंस को कंट्रोल रख सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन होंगे, जब हम सेल्फ मैनेजमेंट हम करेंगे तो हम अपना क्या करेंगे, डिसिप्लिन को भी मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, हमें इतने बजे उठना है, हमें इस समय पढ़ाई करनी है, इस समय खेलना है, तो वो हमारा सेल्फ खुद होगा। जितना हमारा सेल्फ मैनेजमेंट अच्छा होगा, उतनी ज़्यादा हम प्रोग्रेस करेंगे। फिर आपके पास क्या आएगा कि आपका जितना भी नेगेटिविटी है वो सारी आपकी दूर होगी, और आपका बॉडी, ये सब माइंड है, वो सब हेल्दी होगा। क्योंकि आपने सुना होगा कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। अ हेल्दी बॉडी कंटेन्स हेल्दी माइंड, है ना। वो कैसे होगा कि जब हम सेल्फ मैनेजमेंट होंगे, हम नेगेटिव नहीं सोचेंगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखेंगे और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखेंगे और टाइम मैनेजमेंट करेंगे, तो हमारे पास उसमें क्या होगा, हम योगा भी शामिल करेंगे, हम मेडिटेशन भी शामिल करेंगे, उससे क्या होगा, हमारा दिमाग पे भी अच्छे पॉजिटिव थॉट्स ही रहेंगे हमेशा। जब पॉजिटिव रहेंगे, कुछ नेगेटिव नहीं आएगा, तो हमें स्ट्रेस भी नहीं होगा, और हमारा जो सोचने का तरीका है और लाइफ जीने का तरीका है वो बहुत अच्छा होगा। सेल्फ मैनेजमेंट के फायदे हमारे पास हो गए, हम पॉजिटिव हुए, सेल्फ कंट्रोल हुआ, हमारा टाइम मैनेजमेंट अच्छा हुआ, ये सारी चीज़ें मिलकर आपका सेल्फ मैनेजमेंट में आता है। सेल्फ मैनेजमेंट हम सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लाइफ में पीसफुल रहने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए सेल्फ मैनेजमेंट की आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है। जिसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा खुद के लिए, तो वो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता, हमेशा परेशान रहेंगे, दूसरे पे चिल्लाएंगे, ये सारी चीज़ें आपके पास है। ठीक है।